सो हे गाइस, दिस इज जतिन एंड यू आर वॉचिंग बॉली व्यूज। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बॉलीवुड मूवी चंडीगढ़ करे आशिकी, इस मूवी के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो मूवी चंडीगढ़ करे आशिकी, जो की रिलीज हुई थी 10th of December 2021, 10 दिसंबर 2021 को, इस मूवी को फ्राइडे के दिन रिलीज किया गया था। रेटिंग की बात की जाए तो बता दें कि क्रिटिक्स द्वारा इस मूवी को काफी अच्छी रेटिंग एंड साथ ही रिव्यूज दिए गए थे। क्रिटिक्स द्वारा इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार्स 3.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी। स्क्रीन काउंट्स की बात करें तो मूवी को इंडिया में 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, 2500 स्क्रीन्स इंडिया में और इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 500, यानी कि फिल्म को वर्ल्ड वाइड टोटल दोनों को इंक्लूड करके 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। चंडीगढ़ करे आशिकी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसको अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के राइटर्स की बात की जाए तो बता दें कि इसकी स्टोरी लिखी थी अभिषेक कपूर, सुप्रतीक सेन एंड साथ ही तुषार परंजपे ने। वही बात करें इसका स्क्रीन प्ले एंड साथ ही डायलॉग्स लिखे थे सुप्रतीक सेन एंड साथ ही तुषार परंजपे ने। प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो वो है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, प्रज्ञा कपूर एंड साथ ही अभिषेक नायर। वही बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन हाउसेस यानी कि प्रोडक्शन बैनर्स की तो वो है टी सीरीज फिल्म्स एंड साथ ही गाय इन द स्काई पिक्चर्स। इन दोनों बैनर तले इस मूवी को मिलकर प्रोड्यूस किया गया था। तो चलिए अब हम इस मूवी से जुड़ी कास्ट यानी कि कलाकारों की बात करते हैं। तो मूवी चंडीगढ़ करे आशिकी, इस मूवी के अंदर आयुष्मान खुराना, वाणी कपूर, अभिषेक बजाज, अंजान श्रीवास्तव, गौरव शर्मा, गौतम शर्मा, करिश्मा सिंह, गिरीश धमीजा, तान्या एब्रोल एंड सतवंत कौर, ये सारे इस मूवी के अंदर नजर आए थे। लेकिन इनके अलावा भी इसके अंदर काफी सारी कास्ट नजर आई थी। बता दें कि इस मूवी के लिए वाणी कपूर ने गोल्ड अवार्ड्स में बेस्ट पावर पैक परफॉर्मेंस का अवार्ड भी जीता था। वहीं अगर मैं इस मूवी के राइटर्स की बात करूं तो उन्होंने इस मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जीता था। अगर अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है और आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर इस मूवी को 7th of January 2022 7 जनवरी 2022 को रिलीज कर दिया गया था। तो चलिए फाइनली अब हम लोग मूवी चंडीगढ़ करे आशिकी के लाइफ टाइम वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट और वर्डिट के बारे में बात करते हैं। तो इस मूवी ने अपने डे वन पर इंडिया में जो ओपनिंग नेट कलेक्शन की थी वो थी 3.75 करोड़ रुपए की, 3.75 करोड़ रुपीस की। मूवी ने इंडिया में अपने फर्स्ट थ्री डेज यानी कि फर्स्ट वीकेंड में, फ्राइडे सैटरडे संडे, जो फर्स्ट वीकेंड में जो नेट कलेक्शन किया था इंडिया का वो था 14.53 करोड़ रुपए का, 14.53 करोड़ रुपीस का। मूवी ने इंडिया में अपने फर्स्ट वीक यानी कि पहले 7 दिनों में टोटल जो नेट कलेक्शन किया था वो था 22.61 करोड़ रुपए का, 22.61 करोड़ रुपीस का। मूवी ने इंडिया में अपना जो लाइफ टाइम टोटल नेट कलेक्शन किया था वो था 28.26 करोड़ रुपए का, 28.26 करोड़ रुपीस का। मूवी ने इंडिया में अपना जो लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन किया था, ग्रॉस यानी कि जिसमें टैक्स GST इंक्लूड हो जाता है, तो वो था 33.64 करोड़ रुपए का, 33.64 करोड़ रुपीस का। इसके अलावा इस मूवी ने अपना जो इंडिया से बाहर यानी कि ओवरसीज मार्केट से जो टोटल कलेक्शन किया था लाइफ टाइम वो था 7.59 करोड़ रुपीस का, 7.59 करोड़ रुपए का। और ये सब इंक्लूड करके मूवी का जो लाइफ टाइम टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है वो था 41.23 करोड़ रुपए का, 41.23 करोड़ रुपीस का। रही बात बजट, तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ करे आशिकी ये मूवी टोटल 40 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का टोटल बजट था 40 करोड़ रुपीस का। अब उस हिसाब से वर्डिट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो बता दें कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को रिकवर नहीं कर पाई यानी कि मेकर्स को लॉस का सामना करना पड़ता है। अब उस हिसाब से वर्डिट की बात करें तो मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की ऑफिशियल वर्डिक्ट है फ्लॉप की। बता दें कि इस मूवी को रेटिंग और रिव्यूज तो काफी अच्छे मिले थे और मूवी ने अपने पहले हफ्ते में कलेक्शन भी काफी अच्छा किया था, लेकिन दूसरे हफ्ते में इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु फिल्म यानी कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से चंडीगढ़ करे आशिकी के कलेक्शन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था। अगर सेकेंड वीक में इस मूवी का क्लैश पुष्पा मूवी के साथ ना होता तो डेफिनेटली चंडीगढ़ करे
वार्षिकी बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को एटलीस्ट रिकवर तो करती। वेल आपको बता दें कि मूवी चंडीगढ़ करे आशिकी ने अपना जो लाइफ टाइम टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 41 करोड़ 23 लाख रुपीज का। इसी कलेक्शन के साथ ये मूवी साल 2021 की हिंदी मूवीज की लिस्ट में 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। नंबर 1 पर थी सूर्यवंशी, अक्षय कुमार की सूर्यवंशी। नंबर 2 पर रणवीर सिंह की 83। नंबर 3 पर सलमान खान की अंतिम। नंबर 4 पर अक्षय कुमार की बेल बॉटम। और नंबर 5 पर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ करे आशिकी। अगर आप लोग सूर्यवंशी, 83, अंतिम या फिर बेल बॉटम का लाइफ टाइम कलेक्शन जानना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।